हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 3 नवंबर 2024 और अभी हम हैं दिल्ली से निकल लिए हैं। तो वीडियो का कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि हमारी आधी कैलाश की ट्रिप आज से स्टार्ट हो गई है 3 नवंबर, और ये ट्रिप रहेगी हमारी 10 नवंबर तक, यानी कि 8 दिन की हमारी ट्रिप है। तो कुल मिला के 13-14 लोग हैं। सबका आपका इंट्रोडक्शन हम धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि ये हमारी ना कॉमर्शियल ट्रिप होती है, तो हम सबके सामने ऐसे माइक दी, बोलो जी, बोलो कुछ, बोलो आपका एक्सपीरियंस, ऐसा हम करते नहीं है। किसी की अपनी इंटरेस्ट होगी तो बता देगा। तो अभी हम गढ़मुक्तेश्वर में शिवा ढाबा पे रुके हुए हैं। दिल्ली से चले थे तो भाई वहां शोर शराबा सा हो रहा था, मेरा फिर मन नहीं करा, मैं कहा यार इंट्रोडक्शन करूंगा अपना गाड़ी में बैठ के आराम से। यहाँ पे शिवा ढाबे पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुके हुए, और आज का प्लान है हमारा यहाँ से कसार देवी जाने का। कसार देवी की डिस्टेंस है दिल्ली से 350 किलोमीटर, और ये पड़ता है अल्मोड़ा के पास। कल का प्लान है, यानी कि 4 नवंबर का प्लान है हमारा। कसार देवी से पहले जागेश्वर जाएंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, और फिर 5 तारीख को हम पहुंच जाएंगे धारचूला। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारी ट्रिप चलती रहेगी और हम फाइनली पहुंच जाएंगे आदि कैलाश। आदि कैलाश पे आपको व्यू देखने को मिलेंगे, नजारे बढ़िया शानदार, एकदम एक नंबर के नजारे देखने को मिलेंगे, बर्फ वगैरह देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि लाइव स्नोफॉल भी मिल जाए। अभी तक तो क्या है कि नवंबर का टाइम चल रहा है, नवंबर में ना नॉर्मली मौसम साफ रहता है, तो स्नोफॉल वगैरह होती नहीं है, बारिश वगैरह होती नहीं है, बारिश तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वहां पे उस वाले एल्टीट्यूड पे आफ्टरनून में या दोपहर उपहर को स्नोफॉल हो जाए। टेम्परेचर मिलेगा हमें मिनिमम 10 डिग्री, माइनस दस डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। कहां पे? गुंजी के आसपास, गुंजी जोलिंगकोंग में -10 मिल जाएगा, फील पूरी आ जाएगी। आप कहोगे यार -10, तो ऐसा है जी, माइनस में ना -25 तक का हमें एक्सपीरियंस है, -25 में जाने का और -25 में ट्रिप कराने का। कहाँ की ट्रिप कराते हैं हम? कराते हैं स्पीति की, विंटर स्पीति। तो चलो, जब विंटर स्पीति की बात होगी तो थोड़ा सा मैं वैसे ही बता दूं, जनवरी फरवरी और मार्च में हमारा एक बैच जा रहा है विंटर स्पीति। डेट वगैरह आप देख लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और स्क्रीन पे भी आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिख रहा है travelkingindia.com, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पे देख लेना। डेट वगैरह मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है कितनी डेट है, लेकिन एक बैच जा रहा है जनवरी में, एक बैच जा रहा है फरवरी में, एक बैच जा रहा है मार्च में, यानी कि पूरे विंटर में बढ़िया वाली एकदम व्हाइट स्पीति आपको देखने को मिलेगी। तो अभी चलो, ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे। और हाँ, ये जो ट्रिप है ना हमारी, ये जो आदि कैलाश की है, इस साल की हमारी लास्ट ट्रिप है आदि कैलाश की। इसके बाद वहां पे बर्फ वगैरह पड़ जाएगी, रास्ते वगैरह बंद होने लगेंगे, तो हम जो है ना रेगुलर बैच निकालते रहते हैं आदि कैलाश के। मई में भी गए थे हमारे, जून में भी गए थे, जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं गए, पिछला बैच भी गया था अक्टूबर में, एक ये बैच हो गया। तो अगला बैच जो जाएगा वो 2025 जून उसमें जाएगा, मई में। तो उसकी डिटेल वगैरह भी हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अगर आपको भी चलना है मई में जून में कभी भी, तो थोड़े से टच में रहना, आपको सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे। ये हो गया जी अपना आलू का पराठा, चाय और आ रही है यहाँ पे ना, मुझे आलू का पराठा ही ज्यादा पसंद है। और जी इस बार जो है ना दीप्ति भी साथ में, बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद हम जो है ना साथ में ट्रिप कर रहे हैं। और ये हुई जी हमारी अर्वेनिया। ग्रुप ठीक से हो जाता है ना तो हम अर्वेनिया लगा देते हैं। भाई जो है ना इंटरनेशनल ट्रैवलर है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो, नेशनल ट्रैवल भी हो जाऊंगा अब आपके साथ में, अब नेशनल भी हो जाऊंगे। पहली बार जा रहा हूँ, मतलब भाई के साथ बहुत अच्छा लगा, इन्होंने यार काफी अच्छा, मतलब चैनल का नाम क्या आपके? मेरे चैनल का नाम है गुरु अनजाना, फेसबुक पेज का भी सेम नाम है गुरु अनजाना, और इंस्टाग्राम का भी यही नाम है गुरु अनजाना। कहाँ कहाँ आप घूम चुके इंटरनेट? मैं तो बहुत सारी जगह पे घूम चुका भैया, एक्चुअली अभी मैं मतलब थाईलैंड से आया हूँ, अच्छा, फिलीपींस, लाओस, रशिया, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज में। अभी भाई कह रहे थे यार केदारनाथ और आदि कैलाश तो पास पास में ही है ना, मगा जी आपकी गलती ना, आप जो इंटरनेशनल घूमते हो, तो जब बंदा जो पूरी दुनिया घूमेगा, जिसके सामने पूरी दुनिया का नक्शा खुला है, वो जब उत्तराखंड का नक्शा देखेगा तो उसको केदारनाथ और आदि कैलाश पास पास ही दिखेंगे। भाई हमसे पूछो बहुत दूर है, 100-150 किलोमीटर नहीं सर, ज्यादा है। हमसे पूछो हम कहेंगे बहुत दूर है, और जो इंटरनेशनल बंदा तो कहेगा तो पास पास में ही तो है। चलो खैर, इसी तरह से हमारी गप्पे चलती रहेंगे, आगे चलते हैं। हाँ जी, रुद्रपुर के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ पे रुकने वाले हैं अभी हम लंच ब्रेक के लिए, स्मॉल ब्रेक, देन आफ्टर दैट विल बी स्टार्ट टू इन 1.5 hours और मे बी डिपेंड द 1 hour। ओके, गुड लक है ना। इंग्लिश सोच के मत सोच रहा, हमारे उस्ताद जी हैं, हमारे सर जी अशोक भाई, यस सर,
ठीक है। और अशोक भाई की इंग्लिश बड़ी जबरदस्त है, मैं बस यही चाह रहा था कि आप इंग्लिश में बोलो कुछ। थैंक यू। और आप जो मेरे बिना बोल रही अपने आप सर की इंग्लिश बड़ी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। इट्स माय प्लेजर, इज माय ड्यूटी सर। हाँ, I'm very appreciate with all the clients, all this my customer in today, or long time will be touch with you and everything, okay? सर क्या बात, सर क्या बात, सर क्या बात, सर मजा आ गया सुन के। जो भी motivated, he's very motivating, you know. सर जो भी बोल रहा है आपने बहुत अच्छा ही बोल रहा होगा। He shows that no, there's no profession no which is no below, there's no no profession higher. If anybody no wants to speak English, they can speak English. Yeah, definitely. He's very motivating guy. आप दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ रहे हो? हाँ, क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि कोई बड़ा आदमी है ऊपर, कोई भी हो, इंग्लिश कोई बोल सकता है, you know? Everybody should try to speak English. क्या बात सर, सर मैं मजा आ गया। Hope me to speak English, you know? No, definitely. The last 15 years ago, I just work in one travel company. It's very famous, it's very popular. So my not is a property. सर आप रहने वाले कहाँ के हो? I'm born in Delhi, sir. My father is the Indian Army, has working. सर आपको ना पूरी ट्रिप में कैमरे के सामने इंग्लिश ही बोलनी है। सर मजा आ गया सुन के। सर मैं कसम से कह रहा हूँ बहुत मजा आ गया। नहीं आपका तो चलो समझ में आता है, आपने दुनिया इधर उधर कर रखी है, आपका तो समझ में आता है। आपकी इंग्लिश आई एम नॉट इम्प्रेस। नहीं ना सर की इंग्लिश आई एम वेरी 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 मच इम्प्रेस। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सर। आओ सर लंच करते हैं सर। ये है जी दालचीनी ढाबा, रुद्रपुर के पास है, रुद्रपुर से पतना 2-4-5-10 किलोमीटर पहले, और देखने में बढ़िया लग रहा, पार्किंग भी है, स्पेस भी है बढ़िया। तो यहीं पे मुझे तो भूख भाग है नहीं, पराठे खा के आया हूँ मैं, बाकी सब लोगों को भूख लग रही है। वैसे तो वे भी पराठे खा के आए हैं लेकिन उनको लग गया ही भूख, अब मैं क्या करूँ। करो भाई लंच का टाइम हो भी रहा वैसे। ये जी काठगोदाम हमने पार कर लिया, जैसे ही काठगोदाम पार करते हैं ना मैदान खत्म और पहाड़ हो जाते हैं शुरू। और देखो जी पहाड़ पे लगा हुआ है जाम, आज है संडे तो केंची धाम और नैनीताल इन सब की भीड़ जो है वापस लौट रही है सारी की सारी। तो कितना सारा भयंकर ट्रैफिक, और अभी दिवाली खत्म हुई ना, तो दिवाली के बाद का एक वीक बहुत रश वाला होता है टूरिज्म की, उससे और जी ये पहुंच गए जी हम कैंची धाम नीम करोली बाबा जी का मंदिर। शाम के बजे हैं 6:30, मंदिर खुला रहेगा 7 बजे तक। तो भीड़ तो है लेकिन आने वालों की भीड़ है उधर ना मंदिर के एंट्री, वहां पे उतनी भीड़ मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो आने वालों की भीड़ है। तो देखो जी चारों तरफ कितना भयंकर वाला रश है, आज संडे है ना, संडे और फिर दिवाली बाद का टाइम है। देखो जी कितने जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं और काफी रश है बहुत। भाई तो लिख रहा फोटोग्राफी करना सख्त मना है, ओ मैं नहीं करूंगा जी अभी इसके बाद। ठीक है जी, इसके बाद कैमरा निषिद्ध क्षेत्र है, नो सेल्फी नो फोटो कुछ नहीं है, इसके बाद के सीन में आपको नहीं दिखाऊंगा, आई एम सॉरी। ये जी अब हम पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा फेमस बाल मिठाई। तो भाई 1 किलो हमने ले ली बाल मिठाई और 1 किलो ले ली बिना बाल की बाल मिठाई, इसको बोलते हैं चॉकलेट। और जी बाल मिठाई का सीन ये है, जब भी मैं इधर आता हूँ बाल मिठाई तो मेरे को लेनी लेनी, और जब भी इधर से जाता हूँ तो लेके जाएंगे। और एक सीन और है, जब हम गुंजी पहुंचेंगे ना गुंजी, तो वहां पे मिठाई याद आवेगी, और हमारे बैग में अगर मिठाई नहीं निकली ना बहुत जोर से हुडक मचेगी मिठाई खाने। मैं आपको बहुत बढ़िया मिठाई खिलाने वाला हूँ, हैं लेके आयो। ठीक है आप याद करोगे। ठीक है सर, आप वो मिठाई आपने पहले भी खाई है, आप मेरे दोस्त बन गए, वो मिठाई आपने पहले भी खाई है। चलो ठीक है ठीक। ये देख लो जी, ये है जी अल्मोड़ा शहर, और दिवाली की क्या, अभी परसों दिवाली निकली है ना, और जी सारे घरों में ना इतनी बढ़िया वो कर रखी इन्होंने, झालर झूलर लगा रखी है, मस्त मजा आ रहा देखने में। और जी फाइनली हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा के पास कसार देवी मंदिर के पास, और ये हमारा रूम हो गया, बढ़िया होटल बढ़िया प्रॉपर्टी। और सुबह जो है ना यहाँ से व्यू भी दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ना जूम आउट कर दूं मैं, हाँ ये हो गया जूम आउट हो गया ना। इसमें अपनी बाल मिठाई रखी हुई है, ये गुंजी में काम आएगी।
ठीक है ना, ये अपना रूम हो गया, ये अपना होटल हो गया। सर मेरा नाम राजेंद्र चुग है, मैं मुंबई चेंबूर से आया हूँ। अभी आप मुंबई से आए हैं? यस। फ्लाइट से? फ्लाइट से। तो आपको तो ठंड लग रही होगी यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, देखिए कैसे है। मैं उत्तम तिवारी, दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। आपको नहीं लग रही उतनी ठंड? नहीं मुझे। हाँ, नाम है गौरव रंगा और मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ, और मेरा यूट्यूब पे भी पेज है गुरु अनजाना, और मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग। ठंड नहीं लग रही आपको? ठंड थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लग रही है, लेकिन क्या है कि अभी तो मेरा खून काफ़ी गर्म है, तो अभी मैं गर्म सूप भी पी रहा हूँ बहुत अच्छा, तो इसलिए सब कुछ ठीक है। कल से पहनेंगे गर्म कपड़े। पवन अग्रवाल फ्रॉम जयपुर राजस्थान। राधेश्याम अग्रवाल जयपुर राजस्थान। जयपुर से। मेरा नाम इंदु जैन है और मैं दिल्ली से हूँ, और नीरज भाई साहब के साथ मैं तीसरा ट्रिप कर रही हूँ। तीसरा ट्रिप? अभी तो स्पीति भी गए थे ना? हाँ मैं आपके साथ स्पीति। हाँ मई में, जून में, जून में। जून में तो आदि कैलाश गई थी। अच्छा जी, फरवरी में गई थी। विंटर? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। अब आदि कैलाश में दोबारा आ रही हूँ। अच्छा आदि कैलाश एक? अच्छा हाँ, जून में आदि कैलाश में गई थी, तो मन नहीं भरा आदि कैलाश एक बार जाके? नहीं, मुझे थोड़ा जाना था, दोबारा जाना था। अच्छा भाई वाह। मैं किरण पटना बिहार से आपके साथ की दूसरी ट्रिप। आप विंटर गए थे स्पीति में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आपकी दूसरी ट्रिप है ना हमारे साथ? हाँ जी। और शायद इस ईयर एंड तक एक तीसरी भी आपके साथ। अच्छा तीसरी भी हो जाएगी, मजा आ जाएगा फिर तो। दिसंबर में कहाँ पे? दिसंबर में आप केरला साइड? केरला, केरला। चलो बता देना जैसा भी होगा। और भाई ये हो गई दीप्ति, और दीप्ति के साथ बैठी है दीप्ति की भांजी। क्या नाम भाई तेरा? प्रीत। प्रीत तेरे दांत कहाँ गए? चल ठीक है। तो भाई दीप्ति की भी ना ये पहली आदि कैलाश की पहली ट्रिप है, तो ठंड रहेगी बढ़िया वाली, और हम दोनों की जुगलबंदी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। दीप्ति जो ना कैमरे के सामने बहुत कम बोलती है, लेकिन जब हम दोनों बाइक पे ट्रैवल करते हैं ना, तो बढ़िया अलग ही फील आती है, मजा आ जाता है। अभी जो है ना जी, यहाँ पे टेम्परेचर है 13 डिग्री, 13 डिग्री, और मैं तो देखो टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ, सर जी लोगों को बड़ी ठंड लग रही है। तो अभी जब कल भी तकरीबन इतना टेम्परेचर रहेगा, कल हम रुकेंगे पाताल भुवनेश्वर, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर है, और कल का प्लान हमारा रहेगा यहाँ से पहले बगल में कसार देवी है वहां के दर्शन करेंगे, उसके बाद गोलू देवता मंदिर वहां के दर्शन करेंगे, उसके बाद जागेश्वर धाम वहां के दर्शन करेंगे, जागेश्वर में लंच करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे सीधे पाताल भुवनेश्वर, वहीं पे हम नाइट स्टे करने वाले हैं पाताल में। परसों हम जाने वाले हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफा वगैरह देख के, सब सीधे निकल जाएंगे धारचूला। परसों का नाइट स्टे होगा हमारा धारचूला में। धारचूला में इतनी ठंड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद अगले दिन हम निकल जाएंगे गुंजी की तरफ, गुंजी में होगी भयंकर वाली ठंड, वहां पे माइनस में टेम्परेचर मिलेगा, -5, -6, -10 इस टाइप का टेम्परेचर मिलेगा गुंजी में। दो नाइट का हमारा स्टे रहने वाला है गुंजी, ठीक है जी। और धूप के चश्मे किसके पास नहीं है? धूप के चश्मे है सबके पास है? आज जरूरत नहीं थी, कल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परसों भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम गुंजी पहुंचेंगे आदि कैलाश जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो कल मार्केट से ले लेना, ORS भी ले लेना। अच्छा। हाँ जी, ORS की जरूरत पड़ेगी जिस दिन हम गुंजी, दो दिन तो गुंजी, और जिस दिन हम ओम पर्वत आदि कैलाश जाएंगे उस दिन ORS की भी जरूरत पड़ेगी। ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने ना आपको भेज रखी थी, हो सकता है किसी ने ले लिया, हो सकता है किसी ने ना लिया, चेक कर लेना। और तो ऐसा कुछ नहीं है, आज की ट्रिप हमारी बड़ी लंबी थी, 400-450 पता नहीं ऐसी 400 किलोमीटर के आसपास की है, 400 किलोमीटर के आसपास, बड़ी थकान होगी, 14 घंटे की जर्नी होगी, लेकिन कल इतनी थकान नहीं होगी, कल 150 किलोमीटर के आसपास ही हम चलेंगे, धीरे धीरे रुकते रुकते चलेंगे, दर्शन करते, व्यू देखते, नजारे देखते हुए चलेंगे। सही है जी। कोई किसी का कोई सवाल हो तो बता देना, और इसी तरह से हमारी ट्रिप चलती रहेगी। बाकी ठीक है जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, आपका कोई सुझाव हो कुछ भी। और आदि कैलाश की ट्रिप हमारी अभी चलती रहती है, सर्दियों में नहीं चलती है, मई से यानी कि मई 2025 से आदि कैलाश की ट्रिप हमारी अगले बैच फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर आपका फोन नंबर दिखाई दे रहा है, वेबसाइट दिखाई दे रही है travelkingindia.com, बाकी आप समझदार हो। इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।